हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्व घंटा में। फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे सर्जरी फ्रॉम गोविंद पारिक। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में दे रखे हैं, दो ही पेज की है तो कवर कर लेते हैं। सम कॉमन साइट्स, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सम जॉइंट्स ऑफ हैंड। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहाँ देखने को मिलता है, जो जॉइंट्स हैंड के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वहाँ पे। गाउट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ टो। ठीक है, टो के जो आपका पैर का अंगूठा होता है उसमें मेटाटार्सल जॉइंट जो होता है उसमें आपको गाउट देखने को मिलता है। सूडो गाउट कहाँ देखने को मिलेगा, नी में, घुटने में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एक्चुअल जो गाउट होगा वो आपको टो में देखने को मिलेगा। पैकेट्स डिजीज कहाँ देखने को मिलती है, पेल्विस में, पी से पैकेट, पी से पेल्विस। ठीक है, डिसलोकेशन कहाँ देखने को मिलता है, C5-7 वर्टिब्रा में ये आपको डिसलोकेशन देखने को मिलता है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन कहाँ देखने को मिलता है, डॉर्सोलम्बर रीजन। डिस्क प्रोलैप्स कहाँ पे देखने को मिलता है, L4, L5 और S1 में। डिस्क प्रोलैप्स कहाँ देखने को मिलता है, L4, L5 और S1। टीबी स्पाइन की टीबी कहाँ देखने को मिलती है, T9, 10, 11, 12 में। ठीक है, T9, 10, 11, 12 में क्या देखने को मिलती है, टीबी ऑफ स्पाइन। स्पाइना बाइफिडा कहाँ देखने को मिलता है, लंबोसैक्रल रीजन में क्या देखने को मिलता है, स्पाइना बाइफिडा। गाउटी टोफाई कहाँ देखने को मिलता है, कार्टिलेज ऑफ ईयर एंड ओलेक्रेनम बर्सा। ठीक है, गाउटी टोफाई कहाँ देखने को मिलता है, ईयर के कार्टिलेज में और ओलेक्रेनम के बर्सा में। मेन फ्रैक्चर्स किस कौन कौन से, पॉट्स फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन अराउंड द एंकल। ठीक है, फ्रैक्चर के आसपास का डिसलोकेशन हो जाना एंकल के अराउंड। लेफॉर्ट्स फ्रैक्चर कौन सा है, फेशियो मैक्सिलरी फ्रैक्चर। ठीक है, फेशियल और मैक्सिलरी में फ्रैक्चर हो जाना। फिर आता है बम्पर फ्रैक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है, फेशियल ऑफ लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ लैटरल कॉन्डाइल टीबिया। ठीक है, टीबिया के लैटरल कॉन्डाइल में जो देखने को मिलता है फ्रैक्चर वो उसको कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर। ठीक है, तो बम्पर फ्रैक्चर किस में, कौन सी बोन में देखने मिलता है, टीबिया में। लेफॉर्ट फ्रैक्चर मैक्सिलरी बोन में। पॉट्स फ्रैक्चर कहाँ देखने को मिलता है, एंकल में। ठीक है, उसके बाद क्रश फ्रैक्चर कैल्केनियम एंड वर्टिब्रे में। ठीक है, कैल्केनियम वर्टिब्रे में क्या देखने को मिलता है, क्रश फ्रैक्चर। फिर आता है कॉलेज फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द रिस्ट। ठीक है, कॉलेज फ्रैक्चर कहाँ देखने को मिलता है, रेडियस में, विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट, कलाई के 2.5 सेंटीमीटर में। स्मिथ्स फ्रैक्चर कहाँ देखने को मिलता है, रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर है। ठीक है, स्मिथ्स फ्रैक्चर को ही रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या है, फ्रैक्चर ऑफ अपर थर्ड ऑफ द अल्ना। ठीक है, अल्ना का अपर थर्ड विद डिसलोकेशन ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। बेनेट्स फ्रैक्चर ऑब्लिक होता है वर्टिकल फर्स्ट मेटाकार्पल विद डॉर्सल डिसलोकेशन। बेनेट्स फ्रैक्चर किसमें देखने को मिलता है, ऑब्लिक में वर्टिकल फर्स्ट मेटाकार्पल और डॉर्सल डिसलोकेशन। कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप इज कॉल्ड वॉन रॉन्सेन साइन। ठीक है, हिप का कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन क्या कहलाता है, वॉन रॉन्सेन साइन। मेन ऑपरेशन कौन कौन से, बिलॉट्स फर्स्ट कहाँ पे होते हैं, गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस गैस्ट्रो ड्यूओडेनल एनास्टोमोसिस। ठीक है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन गैस्ट्रो ड्यूओडेनल एनास्टोमोसिस में। बिलॉट्स सेकेंड पॉलिया गैस्ट्रेक्टमी कहाँ देखने मिलते हैं, गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्लस गैस्ट्रो जेजुनोटोमी। ठीक है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन और गैस्ट्रो जेजुनोटोमी में। कैटलीज ऑपरेशन किसमें मिलता है, फॉर इंसीजनल हर्निया, अर्नियल सैक इज नॉट ओपन। ठीक है, जहाँ पे अर्नियल सैक ओपन नहीं हो रहा हो, ठीक है, उसमें इंसीजनल हर्निया देना हो तो वहाँ पे कटलीज ऑपरेशन होता है। फिर फॉर्थरगिलीज ऑपरेशन फॉर प्रोलैप्स यूट्रस एक्सीजन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, फॉर्थरगिली ऑपरेशन कहाँ पे कराएंगे, जहाँ पे इसमें यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है सर्विक्स को काटने के लिए। ऐसे ही मैनचेस्टर ऑपरेशन फॉर प्रोलैप्स यूट्रस एक्सीजन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो फॉर्थरगिली ऑपरेशन और मैनचेस्टर ऑपरेशन ये दोनों यूट्रस प्रोलैप्स में होते हैं, क्या इससे करते हैं, क्या इसमें सर्विस को काट देते हैं। फिर हार्टमैन्स ऑपरेशन,
आर्टेमिस ऑपरेशन किस में किया जाता है? फॉर एनोरेक्टल कार्सिनोमा इन एन ओल्ड मैन, ठीक है। किसी बूढ़े आदमी अगर एनोरेक्टल का कार्सिनोमा हो गया तो उसमें हार्ट मैन ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। हार्ट मैन सिर्फ नाम है और ऑपरेशन लेकिन उसके एनोरेक्टल रीजन का होता है। हेलस्टेड्स ऑपरेशन, हेलस्टेड्स ऑपरेशन किस में करते हैं? मैस्टेक्टमी फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। हेलस्टेड में किस में करते हैं? मैस्टेक्टमी फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट में अगर कार्सिनोमा हो गया तो उसमें मैस्टेक्टमी करने के लिए हेलस्टेड, ठीक है। तो हॉल्टन्स डोबिन ऑपरेशन फॉर इन्वर्टेड यूट्रस थ्रू अपडोमन, ठीक है। हॉल्टन्स डोबिन ऑपरेशन किस में किया जाता है? जब यूट्रस इन्वर्ट हो जाता है एब्डोमन के थ्रू किया जाता है। फिर गुडसल्स लाइग्रेचर किस में किया जाता है? फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ठीक है। रेक्टम जब पार्शियल प्रोलैप्स हो जाता है तो उधर गुडसल्स ऑपरेशन किया जाता है, गुडसल्स लाइग्रेचर किया जाता है, ठीक है। गुडसल्स साइन कहाँ पे देखने को मिलता है? फिस्टुला के पोजीशन पता करने में, ठीक है। फिस्टुला की ओपनिंग अंदर कहाँ पे होगी वो पता करने में गुडसल्स साइन यूज होता है, और ठीक है। तो गुडसल्स लाइग्रेचर कहाँ किया जाता है? इसीलिए रेक्टम के प्रोलैप्स में, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया वो। कील ऑपरेशन किस में किया था? फॉर इनसीजनल हर्निया, हर्निया सैक इज ओपन, ठीक है। कील्स ऑपरेशन किस में करते हैं? इनसीजनल हर्निया में, यहाँ पे हर्निया सैक क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। अब कील्स ऑपरेशन और कटली ऑपरेशन, इसमें फर्क क्या है? कटली ऑपरेशन में हर्नियल सैक ओपन नहीं होता है, और जबकि कील ऑपरेशन में हर्नियल सैक ओपन हो जाता है। फिर आता है लॉर्ड ऑपरेशन फॉर बिग साइज हाइड्रोसील। लॉर्ड ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? बहुत बड़ी हाइड्रोसील हो गई है तो उसमें लॉर्ड ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड्स प्रोसीजर फॉर मैक्सिमल एनल डायलेशन, ठीक है। अगर एनल को बहुत ज़्यादा डायलेट करना है तो उसमें क्या करते हैं? लॉर्ड्स प्रोसीजर। फिर आता है मायोज ऑपरेशन। मायोज ऑपरेशन किसमें करते हैं? पैराम्ब्लाइकल हर्निया, ट्रांसवर्स एलिप्टिकल इंसीजन अराउंड द अम्ब्लाइकस, ठीक है। ट्रांसवर्स एलिप्टिकल इंसीजन देना है अम्ब्लाइकस के अराउंड, तो उसमें क्या करते हैं? पैराम्ब्लाइकल हर्निया। ट्रांसवर्स एलिप्टिकल इंसीजन देना है अम्ब्लाइकस के अराउंड, तो उसमें क्या करना है? पैराम्ब्लाइकल हर्निया। फिर मैक एवडी ऑपरेशन फॉर फिमोरल हर्निया, बेस इन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ठीक है। मैक एवडी ऑपरेशन, ठीक है, ये किस में करना है? फॉर फिमोरल हर्निया के लिए, ये बेस्ट इन स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में बहुत बेस्ट स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ठीक है। निसेंस फंडोप्लिकेशन किस में होता है? हायटस हर्निया में। निसेंस फंडोप्लिकेशन किस में होता है? हायटस हर्निया में। फिर रैम्स्टेड ऑपरेशन किस में? फॉर कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में। कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या करना है? रैम्स्टेड ऑपरेशन। फिर ट्रैकियोग्राफी सूचरिंग ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, ठीक है। यूट्राइन सर्विक्स की ट्रैकियोग्राफी करनी है, यूट्राइन सर्विस की सूचरिंग में ट्रैकियोग्राफी करनी है। ट्रेंडलेनबर्ग ऑपरेशन किस में करना है? फॉर वेरिकोज वेन एंड फॉर पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी में, ठीक है। ट्रेंडलेनबर्ग ऑपरेशन किस में करना है? वेरिकोज वेन में और फॉर पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी में। मैश क्लोजर किस में करते हैं? इन सीजनल हर्निया में क्या करते हैं? मैश क्लोजर, ठीक है। फिर जेबोलेज मैथड फॉर मीडियम साइज हाइड्रोसील। जेबोलेज मेथड किस में करना है? मीडियम साइज हाइड्रोसील में। फिर वॉर्थीम्स ऑपरेशन एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, ठीक है। वॉर्थीम्स ऑपरेशन में क्या होता है? एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते हैं। फिर रोसिंग्स ऑपरेशन फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी में क्या करते हैं? रोसिंग्स ऑपरेशन। फिर पैलोमो ऑपरेशन फॉर वेरिकोसील, ठीक है। वेरिकोसील के लिए क्या किया जाता है? पैलोमो ऑपरेशन। फिर लॉथिसेंस ऑपरेशन फिमोरल हर्निया, ठीक है। फिमोरल हर्निया थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। लॉथिसेंस ऑपरेशन में क्या करते हैं? फिमोरल हर्निया में करते हैं थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। फिर लॉकवुड ऑपरेशन फिमोरल हर्निया में करते हैं बिलो इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो लॉथिसेंस ऑपरेशन और लॉकवुड ऑपरेशन दोनों फिमोरल हर्निया में करते हैं, लेकिन लॉथिसेंस ऑपरेशन करते हैं इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, और लॉकवुड ऑपरेशन इंग्वाइनल कैनाल के नीचे से करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर ऑपरेशन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है विद इन 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ है तो उसके 3 साल बाद तक प्रेगनेंसी मना है। आफ्टर अबडोमिनल ऑपरेशन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिटर्न इन विद इन 16 आवर्स, ठीक है। अबडोमिनल ऑपरेशन के बाद
ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिटर्न कब करती है, 16 घंटे बाद। ठीक है, अपेंडिसेक्टमी शुड बी डन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एक्यूट अटैक। ठीक है, अपेंडिसेक्टमी कब करते हैं, आफ्टर 3 मंथ ऑफ एक्यूट अटैक के 3 महीने बाद करते हैं अपेंडिसेक्टमी। क्लेफ्ट लिप शुड बी ऑपरेटेड एट 3 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, क्लेफ्ट लिप कब ऑपरेट किया जाता है, 3 महीने पर, जब एज 3 महीने की जाती है। क्लेफ्ट पैलेट शुड बी ऑपरेटेड एट 1.5 से 2 ईयर ऑफ लाइफ। क्लेफ्ट पैलेट कब ऑपरेट किया जाता है, जब 1.5 से 2 साल का बच्चा हो जाता है। ऑर्किप्लेक्सी शुड बी डन एट 2 ईयर्स ऑफ एज। ऑर्किप्लेक्सी कब की जाती है, 2 साल की उम्र पर। मेन ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, पॉट्स पफी ट्यूमर इन क्रेनियल बोन्स। पॉट्स पफी ट्यूमर कहाँ पे होता है, क्रेनियल बोन्स में। फिर जायंट सेल ट्यूमर ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, जायंट सेल ट्यूमर ऑस्टियोक्लास्टोमा लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है, एब्डोमिनल हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें क्या मिलता है, एब्डोमिनल हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। विल्म्स ट्यूमर किसमें मिलता है, इन किडनी, नेफ्रोब्लास्टोमा और एम्ब्रियोमा। ठीक है, फिर चेरीज ट्यूमर किसमें मिलता है, किडनी में। फिर आता है प्रेगनेंसी ट्यूमर किसमें मिलता है, गम्स में। फिर क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर, सेकेंडरीज ऑफ ओवरीज, मेडुला ऑफ ओवरी इन्वॉल्व फर्स्ट। ठीक है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में किसमें मिलता है, सेकेंडरी ऑफ ओवरी में, मेडुला ऑफ ओवरी इन्वॉल्व फर्स्ट। इसमें ओवरी का जो मेडुला है वो उससे पहले इन्वॉल्व होता है। फिर रेसबरी ट्यूमर अम्लाइकल एडिनोमा में और एंटरोटेरोटोमा में। रेसबरी ट्यूमर किसमें मिलता है, अम्लाइकल एडिनोमा और एंटरोटेरोटोमा। ठीक है, फिर फैंटम ट्यूमर किसमें मिलता है, लंग्स में। फिर ब्राउन ट्यूमर में किसमें मिलता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड।